बहुत ज्यादा, बहुत हम तो कुचल देंगे सबको, बहुत रिचुअली फीलिंग आ रही है ना, मतलब नेकलेस वेकलेस बाल उड़ रहे टोंग ओके, इसके सूट वूट कभी नहीं पहने थे ना दिए हम, है ना, पंजाब और गुजरात से आए थे ये धोती में आए थे और मैं साड़ी में, और हमारे यहाँ तो इसी चक्कर में शादी कर लेते कि सूट पहनने मिलेगा। ओके वैसे पार्टी हर दुल्हन काफी खूबसूरत लगना चाहती है शादी वाले दिन, वो कितनी भी फिट हो थोड़ी सी टोन होने की कोशिश करती है, क्या भारती की भी ऐसे कुछ अरमान है, डाइट वाइट कुछ चल रही है? इनके बड़े मेरे नहीं है, हाँ वो किए हैं नहीं, हो गया भाई। एक्चुअली एक बहुत अच्छी आदत हर्ष ने मुझे डाल दी है, हर्ष ने बोला तू जिम मत जा, तू जैसी है वैसी ठीक है, तू अच्छा लगता है कि जब होने वाला पति ऐसे बोलता है, वरना अक्सर मोटी बीवियां होती है सब पतली लड़कियों को देखते हैं, बट हर्ष ने एक चीज बोली कि तू कितना मर्जी खा जितना मर्जी खा लेकिन ग्रीन टी जरूर पी, तो मैं कुछ भी खाती हूँ ब्रेकफास्ट लंच या डिनर तो मैं ग्रीन टी जरूर पीती हूँ, तो ग्रीन टी की वजह से मेरा काफी वेट कम हुआ है, और टेंशन की वजह से, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, याद दिलाना पड़ता भाई दिसंबर में शादी करनी, हाँ कर लेंगे, मतलब अजीब से क्यों हर्ष ऐसा? मैं एक्चुअली मैं अभी शादी के बाद ना हम जाने वाले एक डेढ़ महीने के लिए बाहर, तो उससे पहले भाई ये रखना है ये चीज, एक डेढ़ महीने के लिए जाने वाले, जाने अगर वाले, ये बंदा अपनी बात से पलटा ना केस कर दूंगी तेरे पे, अपने पति पे बीवी केस करेगी कि हनीमून पे नहीं लेके गया, तो एक डेढ़ महीने के लिए मेरा प्लान, चुप कर जा सुन ले पूरी बात, मेरा प्लान है, मेरा प्लान है कि एक डेढ़ महीने के लिए हम लोग बाहर जाए, तो इसलिए मैं सब अपना काम पहले से पूरा सब खत्म करके जाना चाहता था, कि शादी में नंगा बैठेगा क्या, कपड़ों के लिए भी नहीं जाता, मैं बोलती हूँ अरे तू क्या बनवा रही है वैसा बनवा देना मेरा, हाँ, कुछ कॉन्ट्रास्ट ही होगा यार। अच्छा मैं साड़ी पहनू धोती पहनू कि तुम ट्रांसपेरेंट वाला, क्यों नहीं होगा, मुझे सुबह का जो भारती है ना, तो भारती ने बोला मुझे फोटोशॉप करके स्लिम दिखाना, मैं बोला यार ये तो आपकी यूएसपी है, एंड आई थिंक हर्ष और मैंने दोनों ने बोला कि यार ये तो बिल्कुल यूएसपी जैसी है वैसी ही परफेक्ट है, मतलब मैंने इतने एक्टर्स के साथ काम किया और मैंने हमेशा फोटोशॉप किया है, आज मैं खुश हूँ कि मुझे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ब्रेकिंग न्यूज कर दो ना, ब्रेकिंग न्यूज, मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैंने इतने एक्टर्स के साथ जब शूट किया है, किसी के मैंने आम पतले किया है, किसी के मैंने थाइस पतले किए, मैंने बोला भाई इस शूट में नो फोटोशॉप, सो आई थिंक मेरी टीम बहुत खुश है कि अगर मोटा करना पड़ा तो मुझे करेंगे, नहीं बोलता लाइक मेड फॉर ईच अदर, जो केमिस्ट्री इनकी है ना कि मतलब इट्स टू डाई फॉर, मतलब और पत्थरों की जोड़ी कार्टून भी आता ना। हाँ जी, सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल किया जा रहा है, क्या चीज भाई इसको, अभी का अभी रिसेंटली देखिए कितना उचित मानती है आप, देखा जाता है इस बात को, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे लोग, मुझे खुद समझ नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं पहली टीवी सेलिब्रिटी ऐसी हूँ कि मैं कुछ भी खाती पीती हूँ, मेरे साथ वालियाँ सूप पी रही होती हैं, सब्बे मंगा रही होती हैं, उनके सामने मैं दाल मखनी या पराठे खा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये अपनी अपनी सोच है यार, सबको अच्छे लगना है जिस जैसे भी होना हो जाओ, हमको क्या, हम हमारा पति को तो हम मोटे ही पसंद है ना। आज आज हमने शूट में भी वही किया, आज हमने शूट में ये किया कि भाई ये बर्गर खा रही है और वो एप्पल खा रहे हैं, सो मतलब दिस इज ऑल रियल, जो मतलब जो इनकी लाइफ है जैसी है ना, हमने आज उसी बिल्कुल मस्ती वाला फोटो शूट किया, बिल्कुल ऐसे वाले नहीं किए कि हवा उड़ रही है पास आए, बिल्कुल मस्ती वाला किया है, वो भी किया, किया वो भी किया हमने, हाँ तो जैसे लोग बॉयफ्रेंड फूल देते थे, लड़की ऐसे करती है बर्गर दे रहा है मैं पागल हो रही हूँ उसमें, हाँ, तो ऐसा वाला मस्ती वाला है, मैंने इनको बोला प्रपोज करो, तो इन्होंने बोला मैं प्रपोज करता हूँ रिंग के साथ ही बर्गर के साथ, तो आज मुझे ज्यादा अच्छा लगा, बर्गर ज्यादा अभी है खा भी गई, नहीं मेरे नवरात्रे के फास्ट चल रहे हैं।